तो अभी जैसे मैं ऊपर चढ़ ही रहा हूँ, सनसेट देख का जो है टाइमलेस निकालने के लिए, और बाइक वहाँ पर आ नीचे पार्क किया हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है एक्चुअली, लेकिन है क्या है, बाइक पार्क है। मैं सोच रहा था कि बाइक को ऊपर चढ़ाऊँ, उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन तो इस वजह से चलते जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जब आया था मैं तो यहाँ पर बाइक को मैंने पार्क कर दिया था ऊपर तक लाकर। अभी मुझे फटाफट टाइम लैप्स लेना है और फिर घर पर निकलने वाला हूँ, क्योंकि अंधेरा होने से पहले ये जंगल को पार करना पड़ेगा मुझे, वरना अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, बाइक की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ऊपर तक जा रहा हूँ। तो बाइक की अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते, और इस काइंड ऑफ रिस्की है जंगल में चलना, वो भी अंधेरे के टाइम पे। एक्सप्लोर करने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अभी, बट डैम श्योर की टाइमलेस लेकर रहूँगा। हेलमेट भी वेट हो गया काफ़ी, ऐसा लग रहा है क्यों लिया। सामने जो है बैठ के टाइम लैप्स लिया जाएगा, लास्ट टाइम यही से लिया था, लेकिन लास्ट टाइम सन का नहीं था, वो था कुछ बादलों का था। यहाँ से भी आप देख सकते हो एक्सप्रेस हाईवे दिखाई दे रहा है आपको, तो चलो पहले टाइम लैप्स पे लगाता हूँ, फिर बात करते आगे की, टाइम मिला तो। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो है पीछे सनसेट हो चुका है, और ये मैंने हुडी पहन ली है क्योंकि बहुत सारा विंड है यहाँ पर और ठंड भी हो चुकी है, ये जंगली है, जंगल के लिए है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो आपने इससे पहले ही देखा होगा जो मैंने एक वीरोल बनाया था इस हाईवे का, तो हाईवे पर ये एक्सप्रेस वे है पूरा यहाँ तक आगे, ट्रेन भी पास हुआ है यहाँ से, ट्रेन का भी ट्रैक है, साथ ही साथ ओल्ड पुणे मुंबई जो हाईवे है वो भी इसी के पास में यहाँ पर आगे। तो बस अभी निकलने की तैयारी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा होने से पहले यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। तो ये देखो बैग पैक कर रहा हूँ मैं अभी, फिर रेडी हो चुका हूँ, हेलमेट बाकी लेना, तो झट से पहले घर पे भागते हैं, बस बाकी जंगल से भागते हैं, मेरी भी फट रही है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, कोई भी नहीं है, मतलब कोई एनिमल्स वगैरह तो नहीं है, फिर भी सांप वगैरह हो सकते हैं, पता नहीं सकता।
पीछे आपने इससे पहले टावर देखा ही होगा, चले गया, छोड़ो बाद में कभी। तो पहले मैं जो बाइक के पास पहुंचना है जल्द से जल्द, और फिर बाकी का जो है डिसाइड कर लेंगे। तो जैसे कि अभी देख लिया, मैं कितना भागते भागते यहाँ पर आ चुका हूँ क्योंकि लेट ना हो जाए। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर पूरा सूरज अभी ढल चुका है, यहाँ पर ही बाइक पार्क है। तो चलो पहले घर पे निकलते हैं, फिर बाकी बातें घर पे पहुँचने के बाद करते हैं। यहाँ से आगे फिर मोटर व्लॉग नहीं होगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है, होगा अभी तुरंत कि जंगल का एरिया पूरा। तो मैं इस कैमरा को रख देता हूँ बैग में पहले, और बैग में रखने के बाद फिर अपना मोटर व्लॉग रहेगा थोड़ी देर के लिए रहेगा, जब तक ये पूरा स्लोप ऑफ हिल ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद फिर नहीं आएगा। तो बाकी उसके आगे का पार्ट इससे घर पे शूट करते हुए देख लेना। तो बाइक चालू हो चुकी है, गर्म है वैसे बाइक फिर भी, और यहाँ पर मुझे न्यूट्रल में नहीं रखना है गाड़ी को, कम से कम फर्स्ट गियर में तो रखना ही है। हेलमेट के अंदर फॉग जमा हो रहा है वाइज़र पर, क्योंकि बाहर ठंडी इतना है ना इस वजह से। तो मैं यहाँ पर सेकंड गियर पर रख रहा हूँ गाड़ी को। फूल पौधे झाड़ सब कुछ आ रहे इसके मतलब मेरे बीच में। तो मुझे क्या करना है, पहले फाइनली ये जो पैच है पूरा इसको कवर करना है। तो मैं पीछे का जो ब्रेक जो है वो हल्के से दबा के रखा हूँ, और आगे का ब्रेक जब चाहिए तभी यूज़ कर रहा हूँ। गाड़ी को ज़्यादातर सेकंड गियर पर रखा हुआ, अच्छा ट्रैक्शन मिलता है उसमें, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, छोड़ दिया पूरा, बस ट्रैक्शन मिलता है उस इंजन ट्रैक्शन पर चल रहा है गाड़ी। मैं खड़े होके बाइक चला रहा हूँ पूरी। वैसे अगर ये देखा जाए स्लोप ऑफ हिल 38 किलोमीटर है, जो कि पिंपरी चिंचोड़े से। यहाँ पर मैं रुक के बताना चाहूँगा कि वहाँ पर सामने अगर आपको कुछ लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं बाइक के गाड़ी के, तो वहाँ तक मुझे जाना है, और यहाँ से ऐसे पूरा घूम के 2 से 3 राउंड है। और चलो निकलते चलेगा। कितना बड़ा टाइम होता, क्रॉस कर दिया भाई हम लोग है, वो अपनी गाड़ी खुद संभालते हैं। ये आ गए हम मेन रोड पर, यहाँ से हाईवे बस 5 मिनट की दूरी पर, और उससे मेरा घर लगभग 1 घंटे की दूरी पर। वेलकम बैक टू द होम। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको इससे पहले बाइक पर जो है तो ऑफ रोडिंग हो गया पूरा, और काफ़ी अच्छा मज़ा आया। बाइक ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया अभी तक तो, और ना कभी देगी क्योंकि इससे पहले भी कभी दिया नहीं उसने। कोई मैं ट्रिप पर गया उस पर मुझे धोखा मिला है, नहीं हुआ है इसे। और काफ़ी अच्छा ऑफ रोडिंग था, बाइक ने काफ़ी अच्छा रिक्लाइनिंग किया, और फिर चढ़ाने में भी मज़ा आ रहा था, खड़े होके स्टैंड होके भी चढ़ा रहा था, आपने इससे पहले वीडियो में देखा ही होगा। तो मैं बता रहा था कि ये जो है स्लोप ऑफ हिल जो है वो बाइकर्स जो है उनके लिए सबके लिए पसंद है, क्योंकि वन डे रोड ट्रिप जो है वो करते हैं, और इसमें कैसे कि वो अगर चाहते हैं तो आगे वहाँ पर रुक भी सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि नहीं रुकना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे पहले भी मैंने ये राइड कम्प्लीट किया था एक बार स्लोप ऑफ हिल जो है फर्स्ट टाइम में जाके आया था, वो पिछले साल में था, शायद मार्च महीने में था, गुड़ी पाड़वा के दिन था वो। और उसका जो है वीडियो मेरे चैनल पर है,
वो आप ज़रूर देख लेना, उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। और बस आज के साथ इतने का, तो घर पर आया, कॉफ़ी वगैरह पिया है, फ्रेश हो गया, और अभी ये ब्लॉग का एंड करना ज़रूरी था, तो बस आज के लिए इतने का। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए जो रेड में होता है उसको ग्रीन कर दीजिए, और कमेंट भी करते रहिए ताकि आगे आपको कैसे वीडियोस आनी चाहिए, इस पर कैसे कंटेंट आना चाहिए, बस इसके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।